हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आज हम करने जा रहे हैं सेकेंड क्लास की यूनिट 4 की स्टोरी स्ट्रॉम इन द गार्डन। इस वीडियो को अच्छे से समझने के लिए एंड तक इसे ज़रूर देखें। सुनो 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 सुनो, द स्नेल इज प्लेइंग विद हिज फ्रेंड्स द एंट्स। सुनो सुनो जो है वो एक स्नेल है, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। इस में ये ऑरेंज और येलो कलर की, इसको स्नेल कहा जाता है। ये स्नेल्स अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रही है, और इसके फ्रेंड्स कौन है? द एंट्स यानी चींटियाँ। सडनली देयर इज अ स्टॉर्म, और जैसे ही वो उसके साथ खेल रही होती है, अचानक से स्टॉर्म आ जाता है। स्टॉर्म क्या होता है? तूफान। बारिश से पहले देखा है ना आपने, तूफान आ जाता है, तेज हवाएं चलती हैं, दैट इज अ स्टॉर्म। ही हरीज टू हिज मदर एंड टेल्स हर ऑल द सॉ एंड हर्ट। वो जल्दी से, जैसे ही स्टॉर्म आता है, अपनी माँ के पास चली जाती है और अपनी माँ को जो भी देखती है और सुनती है उसके बारे में वो स्नेल बता देती है। तो आइए शुरू करते हैं अब स्टोरी। सुनो सुनो, द स्नेल वॉज विजिटिंग हिज फ्रेंड द एंट्स। जो सुनो सुनो है वो अपनी फ्रेंड्स से मिलने जाती है, और उसकी फ्रेंड्स हैं सभी चींटियाँ। दे क्लाइम्ड ऑल ओवर हिम। वो जो चींटियाँ हैं वो स्नेल के ऊपर चढ़ जाती हैं। ही, दे क्लाइम्ड अंडर हिम, और वो उसके नीचे भी चली जाती हैं। ही, सडनली ग्रेट वाइट लाइट क्रैश्ड थ्रू द क्लाउड्स। अचानक से सफ़ेद रंग की वाइट लाइट बादलों में से चमकती है। सुनो सुनो क्विकली पुल्ड इन हिज हेड। जो सुनो सुनो है वो अपने हेड को छुपा लेती है। पुल्ड इन हिज टेल, और अपनी टेल को भी। एंड सेट वेरी स्टिल, और ऐसे बैठ जाती है बिना हिले डुले, वो बैठ जाती है, वो अपनी पूरी बॉडी को छुपा लेती है। सुनो सुनो क्या करती है, अपने हेड को भी अंदर कर लेती है, अपनी टेल को भी, और बिल्कुल सीधी स्ट्रेट बिना हिले वहाँ पे बैठी रहती है। आउटसाइड द स्काई ग्रू डार्क एंड द क्रोस फ्लू पास्ट का 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 का। अब बाहर क्या हो रहा है, जो आसमान है उसमें अंधेरा हो गया है, और जो कौए हैं वो भी इधर उधर उड़ रहे हैं, का 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 की आवाज कर रहे हैं। ओह बट वेयर वर द एंट्स। पर ये नहीं समझ आ रहा कि एंट्स चींटियां कहाँ चली गई। सुनो सुनो स्टक आउट हिज फीलर्स एंड लुक फॉर देम। सुनो सुनो जो है वो अपने फीलर्स को बाहर निकालती है और उनको देखती है, ढूंढती है। फीलर्स क्या होते हैं, जो आप देख रहे हैं पिक्चर में उसके हेड के ऊपर दो एंटीनास है ना, उनको फीलर्स कहते हैं। इससे वो फील करती है, महसूस करती है। दे वर हाइडिंग अंडर अ फ्लावर पॉट, और वो देखती है कि जो उसकी फ्रेंड्स एंट्स हैं वो एक फ्लावर पॉट, एक गमले के नीचे छिपी हुई है। गो होम, सुनो सुनो द एंट्स क्राइड आउट। जो सुनो सुनो की फ्रेंड्स उसको बोलती हैं कि जाओ घर चली जाओ, सुनो सुनो हरी हरी योर मदर विल वरी। कहती है जल्दी जाओ, तुम्हारी माँ चिंता कर रही होंगी। सुनो सुनो वेंट टू हिज मदर वेयर शी सेट अंडर अ स्टोन नियर द वेल। वो जो है सुनो सुनो अपनी माँ के पास चली जाती है, और उसकी माँ कहाँ बैठी होती है, उसकी माँ एक स्टोन के नीचे जो कि एक कुएं के पास है उसके पे बैठी होती है। अम्मा सेट, सुनो सुनो देयर इज अ स्टॉर्म इन द गार्डन। वो कहती है अम्मा गार्डन में, पार्क में क्या है, एक तूफान आया है। आई हर्ड द विंड ब्लो ब्लो ब्लो। वो कहती है कि मैंने हवा के चलने की आवाज़ सुनी, ऊ ऊ ऊ ऊ। आवाज़ कैसी थी हवा के चलने की, ऊ ऊ ऊ ऊ थी। आई सॉ ट्रीज स्वे 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 शे शे शे, और ट्रीज के चलने की, हिलने की आवाज़ क्या थी, शे शे शे। आई सॉ लाइटनिंग फ्लैश फ्लैश फ्लैश। उसने देखा कि लाइट भी थी वहाँ पे, और उसकी कैसी आवाज़ थी, वो फ्लैश कर रही थी, और जैसे कैमरे के आगे फ्लैश करते हैं ना, लाइट एकदम से आती है फिर चली जाती है, वैसे ही। और आवाज़ कैसी थी, जज़ाक 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 जज़ाक। वो अपनी मदर को सारी साउंड्स जो है वो सुना रही है। कौन सुना रही है, सुनो सुनो द स्नेल। आई हर्ड थंडर रोल रोल रोल, घड़ाम घड़ूम घड़ाम घड़ूम। वो कहती कि मैंने बिजली को भी देखा, और वो कैसी आवाज़ थी उसकी बिजली की, घड़ाम घड़ूम घड़ाम घड़ूम, ऐसी आवाज़ी थी। और पहले उसने किस चीज़ की भी लाइट की देखी थी, जिसकी वो बता रही थी, जज़ाक जज़ाक फ्लैश, वो रोशनी जो उसने देखी थी।
आई हर्ड रेन फॉल फॉल सीता सीता पिता पिता सीता सीता पिता पिता। फिर वो बताती है कि मैंने बारिश के गिरने की भी आवाज़ सुनी और आवाज़ कहती थी कैसी थी, सीता सीता पिता पिता की आवाज़ थी। आई हर्ड वाटर ड्रिप ड्रिप, उसने कहा कि मैंने पानी की भी आवाज़ सुनी और वो आवाज़ थी प्लिप 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 प्लिप। इट वॉज अ बिगेस्ट स्टॉर्म सुनो सुनो हैड एवर बीन इन। अब सुनो सुनो ने ऐसा तूफान, इतना बड़ा तूफान पहले कभी नहीं देखा था। ओ ओ शे शे जजाक सजाक गड़ाम गुड़ूम सीता सीता पिता पिता सीता सीता पिता पिता प्लिप प्लिप प्लिप, इस तरह की आवाज़ें भी उसने पहले कभी नहीं सुनी थी। एंड यू नो वॉट, सुनो सुनो डिड नॉट गेट वेट। और आप जानते हो इतना सब कुछ देखने और महसूस करने के बाद भी सुनो सुनो भीगी नहीं। डू यू नो वाई, आपको मालूम है क्यों नहीं भीगी वो? वो इसलिए नहीं भीगी क्योंकि उसकी जो बॉडी होती है उसका सरफेस ऐसा होता है जो भीगे ही ना, गीला ही ना हो, और वो हार्ड होता है जिसके अंदर वो अपने आप को छुपा भी लेती है। ठीक है, अब हम करेंगे इस लेसन के न्यू वर्ड्स। सबसे पहले स्नेल, स्नेल होता है घोंघा, इसको हिंदी में बोलते हैं घोंघा। डार्क अंधेरा। फीलर्स, फीलर्स होता है कीड़ों के शरीर का वह भाग जिसे वे महसूस करते हैं। स्ट्रॉन्ग तूफान। लाइटनिंग बिजली। थंडर बिजली की गड़गड़ाहट। नेक्स्ट है क्वेश्चन आंसर्स। हु वॉज सुनो सुनो, सुनो सुनो कौन थी? तो हम लिखेंगे सुनो सुनो वॉज अ स्नेल। नेक्स्ट है हु वॉज सुनो सुनो विजिटिंग, सुनो सुनो किसे देखने गई थी? सुनो सुनो वॉज विजिटिंग हिज फ्रेंड्स द आंट्स, वो अपनी फ्रेंड्स आंट्स को यानी चींटियों को देखने गई थी। वेयर वर द आंट्स हाइडिंग, जो आंट्स थी चींटियाँ थी वो कहाँ छुपी हुई थी? द आंट्स वर हाइडिंग अंडर द फ्लावर पॉट, वो एक फ्लावर पॉट के नीचे छिपी हुई थी। डिड सुनो सुनो गेट वेट, क्या सुनो सुनो भीग गई थी? नो सुनो सुनो डिड नॉट गेट वेट। आगे है लेट्स टॉक। डू यू गो फॉर मॉर्निंग वॉक्स, क्या आप सुबह की सैर पर जाते हैं? अगर आप जाते हैं तो आप येस लिखेंगे और अगर आप नहीं जाते तो आप नो भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ लिख लेते हैं येस वी गो फॉर मॉर्निंग वॉक्स। नेक्स्ट है हैव यू एवर सीन आंट्स इन द गार्डन, क्या आपने कभी गार्डन में आंट्स यानी चींटियों को देखा है? तो हम लिखेंगे येस आई हैव सीन आंट्स इन द गार्डन। नेक्स्ट है वॉच एंड सी वेयर दे गो एंड व्हाट दे कैरी टू देयर होल्स, आप देखना है आपने कि वो जो चींटियां हैं वो कहाँ जाती हैं, क्या लेकर जाती हैं अपने होल्स में। नेक्स्ट है डू यू नो व्हाई यू सी स्नेल्स एंड अर्थवर्म्स आफ्टर इट रेन्स, सिट इन अ ग्रुप एंड डिस्कस, मतलब कि आपने ग्रुप में बैठकर बताना है, डिस्कस करना है कि स्नेल्स और अर्थवर्म्स जो हैं वो बारिश के बाद बाहर क्यों निकल आते हैं। तो इसका आंसर हम लिखेंगे बिकॉज देयर होम्स इन द ग्राउंड गेट फिल्ड विद वाटर, क्योंकि उनका जो होल्स होते हैं उनके जो घर होते हैं वो पानी से भर जाते हैं। नेक्स्ट है नेक्स्ट पेज पे देखिए आप, लुक एट द पिक्चर एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस पिक द राइट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स, अब हमें एक राइट वर्ड जो है बॉक्स में से लेकर और इसको फिल करना है। वर्ड्स हैं इन ऑन अंडर बिहाइंड एंड ओवर, हमने ये जो वर्ड्स हैं इनको भरना है। तो सबसे पहले द कैट इज जंपिंग डैश द वॉल, जो आएगा कैट इज जंपिंग ओवर द वॉल, क्यों दीवार के ऊपर से छलांग लगा रही है तो ओवर द वॉल। द कैट इज इन द बॉक्स, इन आएगा। द कैट इज बिहाइंड द डोर, बिहाइंड मीन्स पीछे, वो दरवाजे के पीछे है। द कैट इज अंडर द स्टूल, वो स्टूल के नीचे है। द कैट इज ऑन द सूटकेस, वो सूटकेस के ऊपर बैठी हुई है। अब नेक्स्ट पेज पे एक सॉन्ग है और आपने इसको बहुत अच्छे से इंजॉय करना है और इसको लर्न भी करना है। आउट इन द गार्डन ईच फाइन डे विथ माई बॉल आई लाइक टू प्ले, आई बाउंस माई बॉल, I bounce my ball, I bounce my ball on each fine day। वो कह रहे हैं कि गार्डन में अच्छे दिन में अब वो क्या करता है, अपनी बॉल के साथ प्ले करता है। मैं अपनी बॉल के साथ प्ले करता हूँ
और अपनी बॉल को बाउंस करते हैं। बाउंस होता है एक बार नीचे एक बार ऊपर, नीचे ज़मीन पे मारते हैं फिर वो ऊपर आती है, फिर नीचे मारते हैं फिर ऊपर करते हैं, तो ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट है, आउट इन द गार्डन ईच फाइन डे विथ माई काइट आई लाइक टू प्ले, आई फ्लाई माई काइट, आई फ्लाई माई काइट, I fly my kite on each fine day। और वो कहता है कि गार्डन में वो क्या करता है, गार्डन में आता है और अपने काइट के साथ वो प्ले करता है, और काइट के साथ कैसे प्ले करता है, वो काइट को उड़ाता है, फ्लाई करता है इन द स्काई, राइट। तो आपने इस पोएम को लर्न भी करना है और अच्छे से लिखना भी है। नेक्स्ट पेज पे राइटिंग वर्क है और आपने उसको कंप्लीट करना है। आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।